नमस्कार, विद्युनी समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आतंकवादी बुरहान वानी की मौत से नवाज शरीफ सदमे में। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मौत पर पाकिस्तान ने हैरत जताई है। पाक ने इस घटना के विरोध में घाटी में भड़की हिंसा के दौरान स्थानीय नागरिकों पर अत्यधिक बल प्रयोग और दमनकारी उपायों की भी भर्त्सना की है। शरीफ के कार्यालय से जारी इस वक्तव्य में कहा गया कि कश्मीरी नेता बुरहान वानी समेत घाटी के अन्य नागरिकों के भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के हाथों मारे जाने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गहरा सदमा पहुंचा है। शरीफ ने कहा है कि वानी की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ अत्यधिक और गैर कानूनी ढंग से बल प्रयोग किया गया है, जो निंदनीय है। बांग्लादेश ने जाकिर नाइक के पीएफ टीवी की डाउनलिंक अनुमति रद्द की। बांग्लादेश ने भारतीय इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के पीएफ टीवी के लिए डाउनलिंक की अनुमति सोमवार को रद्द कर दी। इससे पहले बांग्लादेश ने पीएफ टीवी चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया। बांग्लादेश ने यह कदम उन रिपोर्टों के आने के बाद उठाया जिनमें कहा गया है कि यहां कैफे पर जबरदस्त आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों में से कुछ आतंकी जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषणों से प्रेरित थे। उत्तर कोरिया ने दी अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की धमकी। प्योंगयांग में बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया में एक अमेरिकी मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली की तैनाती संबंधी वाशिंगटन एवं सोल की घोषणा के मद्देनजर उत्तर कोरिया ने कार्रवाई करने की सोमवार को धमकी दी। दक्षिण कोरिया एवं अमेरिका ने उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परमाणु परीक्षणों के बाद दक्षिण कोरिया में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस तैनात करने के अपने निर्णय का गत शुक्रवार को खुलासा किया था। उत्तर कोरियाई सेना के आर्टिलरी ब्यूरो ने कहा कि डीपीआर के दक्षिण कोरिया में मिसाइल रोधी अमेरिकी प्रणाली थाट की तैनाती की जगह और स्थान की पुष्टि होते ही इसे पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए जवाबी कार्रवाई करेगा। मेघालय में ईसा पूर्व से मौजूद है खासी जनजाति शिलाओं से मिले संकेत। मेघालय के रीभोई जिले में मिली प्राचीन शिलाएं और औजार ये संकेत देते हैं कि राज्य की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक खासी जनजाति इस राज्य में 1200 ईसा पूर्व से मौजूद है। पुरातत्व वेत्ता मार्को मित्री और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी के शिक्षाविदों के एक दल ने NH40 के पास सोहोपेट बनेंग चोटी की उत्तरी ढलानों पर बसे लुमाबू गांव के पास एक पुरातत्व स्थल की खुदाई की। मित्री ने कहा कि उन्होंने शिलानुमा आकृतियां लोहे की सामग्री बरामद की जो प्रागैतिहासिक काल की हैं। पहाड़ का यह हिस्सा 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।